Hello, assalamualaikum, beautiful viewers. Today we are going to start another vlog in the name of Allah Almighty, who is the most gracious and the most merciful. So, aaj ke vlog mein hum ja rahe hain जैक्सनाइट. तो ये जगह हम पहले भी जा चुके हैं, लेकिन पहले हम गए थे ग्रॉसरी के घर से और इस दफ़ा हम जा रहे हैं फूड टेस्टिंग घर में. अब मैंने फूड टेस्टिंग स्टार्ट कर दी है क्योंकि मुझे एक अच्छा रिस्पांस मिल रहा है इसमें फील्ड में, तो मैं फूड टेस्टिंग की तरफ जा रहा हूँ राम राम से. तो आप लोगों से गुजारिश है कि अच्छा रिस्पॉन्स दिया करें ताकि हम अच्छी अच्छी वीडियोज़ बना के आपको दिखाएँ. और अब हम जा रहे हैं, सो लेट्स सी आगे क्या होता है. और आज का व्लॉग मैं ये बता दूँ, आज का व्लॉग कम्प्लीटली अनप्रेडिक्टेबल है. वैसे अनप्रिडिक्टेबल ही होता है मेरा ब्लॉग, लेकिन आज का ब्लॉग ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल है क्योंकि मुझे नहीं पता हम क्या करेंगे, क्या देखोगा वहाँ पर, क्या क्या देख सकते हैं वहाँ पर, काफ़ी चीज़ें हैं. तो लेट्स सी कि व्हाट वी आर गोइंग टू गेट देयर. 2000 years later. जहाँ भी मैं देखूं अंधेरा बड़ा है, जहाँ भी मैं जाऊं वो रास्ता खड़ा है. हमेशा दिलों से जो जोड़े वही एक मोहब्बत का रिश्ता बड़ा है. खुदा तो इस वक्त हम आ चुके हैं वहीं पर जहाँ पर एक बार पहले भी आए थे हम, अपना बाज़ार. और यहाँ पे एक थोड़ा सा आपको क्लिप दिखाएंगे, ज़्यादा नहीं दिखाऊंगा मैं. और जहाँ जाना है हमने वहाँ चलेंगे, अभी थोड़ी सी वहाँ से ना शॉपिंग कर रहे हैं और वहाँ फिर जाते हैं वहीं पे खाना खाने. चलो आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा और उसके बाद हम चलते हैं आगे. नूरे अज़ल नूरे खुदा हर पल रहे रोशन सदा. आप मुझे घूमने नहीं देना. ऐ खुदा रोशन जहां खास है तेरी अता. ये जो तेरी सिमत से तो इस वक्त मैं किला आ रहा हूँ, एक से मैं फोकस करवा लूँ. हाँ, तो इस वक्त मैं किला जा रहा हूँ. हाँ, वो वहाँ पर ट्रैफिक काफ़ी ब्लॉक हो गई थी और सिग्नल खुल गया हुआ था और खड़े होकर सामान जैसे 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 डाला ना हमने गाड़ी के अंदर, वो सीन भी देखने वाला था. सो अब चलते हैं, किला चलते हैं, मुझे भी नहीं पता. और लेट्स सी व्हाट्स हैपन नेक्स्ट. वो रास्ता खड़ा है. हमेशा दिलों से जो जोड़े वही एक मोहब्बत का रिश्ता बड़ा है. खुदा अभी हम आ चुके हैं डेरा जो आपने अभी देखा. सो अभी हम देखते हैं हमें क्या मिलता है यहाँ पर और लेट्स सी कि क्या क्या खाना मिलता है और क्या क्या टेस्टिंग करते हैं. ये अभी ना NYC की ना कोविड की वजह से बाहर ना सेपरेट लगाई है, 50% मेरे ख्याल से ना आप कर सकते हैं डाइनिंग.
और इस वजह से ना ये 50 बाइट थोड़ा सा उन्होंने कर दिया ताकि हमारी ना टाइमिंग प्रॉपर लगे। राइट, तो लेट्स सी हम कहाँ बैठते हैं और क्या क्या होता है, अभी देखते हैं। नूरे अज़ल नूरे खुदा हर पल रहे रोशन सदा। आप मुझे घूमने नहीं दे रहा। ऐ खुदा रोशन जो खास है। तो इस वक्त सिचुएशन ये है कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गैदरिंग है, जिसकी वजह से वही अगेन माइक में आधा उखड़ा हुआ है ताकि आवाज़ आपको क्लियर आ जाए। सो यहाँ पर काफ़ी गैदरिंग हुई हुई है, जिसकी वजह से अगेन वही वाला सिचुएशन है कि हमें टेबल प्रॉपर नहीं मिल रही और पार्किंग तो अभी तक नहीं मिली। सो अभी देखते हैं कि खाना आता तो आपके साथ सिनेरियो शेयर करते हैं कि क्या सिनेरियो है। सो अभी तक के लिए बाय बाय। सो अभी ना मैंने ना दो कैमरे बुक किए हैं, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, ताकि आपको अच्छा व्यू आ सके और मुझे बाल भी सही करने का हुक्म दिया गया है। तो अभी मैंने माइक भी साथ अपने करीब कर लिया ताकि आपको अच्छा ना आवाज़ आए और ना लेट्स सी कि क्या आता है। सो अभी ये आ गया है और अब लेट्स ट्राई से करते हैं। तो अभी दोबारा से ये आया है चीज़ें मेरे पास, तो मैं आपको फ्रेश खाता हूँ। सबसे पहले ये है और इसके पहले नान सब खाते हैं, खाते हैं आपको अच्छा है, ठीक है। पक्का बहुत अच्छा था, ये बात कहूँ मैं। और चलते हैं हलीम की तरफ। ठीक है, इतनी अच्छी नहीं है जितनी दूसरी चीज़ें हैं, मतलब
वापस आते हैं चीन कढ़ाई की तरफ और चलते खाने के बाद अब तो अभी ये देखें ये देखते हैं ये कबाब है और उसको पैस करते हैं बाकी खटाइए के साथ अच्छा था बहुत अच्छा था बाकी पसंद है इधर खाने का बहुत टेस्ट ही मैंने किया था जो पाकिस्तान और दूसरे ममालिक में देता है जो यहाँ पर थोड़ा सा फ़र्क होता है काफ़ी फर्क होता है क्योंकि यहाँ पर चीज़ें ऐसी होती हैं ज़्यादा सऊदी अरब में वहाँ पे खाना अच्छा होता है दूसरे उससे क्रीम वाला एशिया में अच्छा होता है लेकिन यहाँ पर वो टेस्ट नहीं है उनके हिसाब से इनके हिसाब से बहुत अच्छा बना हुआ है और अभी एक और चीज़ आई है साथ में बस शर्मा से उठा हुआ और हलीम भी है हलीम मैंने जैसे बताया है वो इतनी खास है नहीं और यहाँ पर एक बड़ी मज़े की चीज़ है मैं कोशिश करता हूँ दिखाऊँ वो बोल रहा है ये शामी और किस शेप में पड़ा हुआ है ऐसा लगता है कि उन्होंने उठाया है और ऐसे फेंक दिया है बॉल बनाकर दिखाता हूँ आपको तो अभी हम जो ट्राई करने जा रहे हैं वो नया आया है मेरे पास बिरयानी आई है और बिरयानी मैं कोशिश करता हूँ प्रॉपर देख सकते हैं बहुत मज़े की है यार लिटरली बहुत मज़े की है मैंने मिस की अभी तक नहीं खाई और जो खुशबू है ना जो एसेंस है इसकी बहुत अच्छी है यार जो एक बिरयानी का जायका होना चाहिए वो बहुत अच्छा है और तो टारगेट टर्न मेरा ये था कि ज़्यादा सारी डिशेस को कवर करूं और मैंने किया मुझे बहुत मज़े की बनी है जो जायका और खुशबू है इसकी वो बहुत मज़े की है और देख वाली लग रही है बहुत मज़े की है तो अभी ये आइसक्रीम खा रहे हैं और अभी डेरे से फारिग हो गए हैं खाना बहुत अच्छा था ओवरऑल 9 out of 10 है और हलीम मुझे पसंद नहीं आई पता नहीं क्यों बकाया सब कुछ 9.5 था तो मैंने अभी 9 निकाल दी और अच्छा 9 का खाना बड़ा अच्छा था काफ़ी अच्छा खाना था एरिया में बल्कि न्यूयॉर्क सिटी में हम कहते हैं कि डेरा अच्छा खाना देता है बकाया ट्रेन स्टेशन है और ये अभी खा के निकलते हैं और घर चलते हैं बल्कि अभी यहीं ब्लॉग को एंड कर देते हैं आपका बहुत शुक्रिया ब्लॉग देखने के लिए और तमाम अपना से गुजारिश है कि लाइक सब्सक्राइब और शेयर देख करते हैं और लेट्स गो होम बैक अल्लाह हाफिज़ अपना ख्याल रखिएगा ब्लेस यू